हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर 4 है। अगर आप लोग 3 तक नहीं देखे हुए हैं तो जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग 3 चैप्टर तक अपना क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इसमें दोस्तों ये वीडियो में आज हम 4 और 5, ठीक है दोस्तों, लेसन हम 4 और 5 चैप्टर को आज क्लियर करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। चलिए दोस्तों, और एक बात बता दूं दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों तो आपको 2023 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सारा का सारा दोस्तों इसी चैप्टर में से आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक देख लीजिए, इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, 4 और 5 चैप्टर से बहुत सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है। आप लोग देखिए, ऑप्शन 4 है दिया हुआ, ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन जो है सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुसंख्यकों का शासन जो है ना, चलिए यह राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 के एनुअल एग्जाम यानी फर्स्ट टर्म में प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आया हुआ है, यानी प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका जो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को ये चैप्टर 4 और 5 को क्लियर कराता हूँ। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 100 देशों में। कितना दोस्तों? 100 देशों में जो है ना लगभग लोकतंत्र विद्यमान होता है। चलिए आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। आपका जो राइट आंसर होगा 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, जनता को जो है ना चुनने और सिलेक्ट करने का आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता जो है ना रहती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गैर लोकतांत्रिक, क्या होगा, गैर लोकतांत्रिक। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही सुधार क्या है। आपका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी होगा, विविधताओं का साम्राज्य, क्या होगा दोस्तों, विविधताओं का साम्राज्य जो है ना सही होगा। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, किसी व्यवस्थाओं को फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों का संदर्भ में सही कथन को सकते हैं यानी कि सिलेक्ट करना है। आपका जो राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगर आप लोग 5 चैप्टर को अगर देख लेते हैं तो दोस्तों आप उसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अंतिम में दोस्तों हम बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आया हुआ है। तो 8 का जो है ना 3 स्तरीय जो है ना पंचायती संस्थाएं हैं। चलिए संस्थाएं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना बार आया हुआ है एग्जाम में, 14 में, 16 में, 21 में और 22 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका जो राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50% जो है ना महिलाओं को आरक्षित दिया जाता है, ठीक है, बिहार में। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन से मिलाते हैं। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है। चलिए आपको मिलाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु जो है ना बहुत ही आसान है, कितना होता है बताना है। आपका देखिए ये कितना बार क्वेश्चन 21 में और 20 में और 21 में 22 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आपका जो राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। सभी लोग को मालूम ही होगा 18 वर्ष होने पर ही आप लोग मतदान यानी कि वोट का अधिकार मिलता है भारत में। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2019 में आया हुआ है, लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका जो राइट आंसर होगा देख लीजिए, आपका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों 11 का हम बताते हैं जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कीजिए, स्वतंत्र का अधिकार। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक क्या है। यह भी क्वेश्चन 2020 के सेकंड टर्म यानी कि द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा यानी विकास होगा। चलिए दोस्तों लेसन 5 से मिलाते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग ये वीडियो को देख लेते हैं अंतिम तक, तो दोस्तों आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में जितना भी पूछा जाता है, सामाजिक विज्ञान के पेपर में जितना भी सवाल है दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, स्किप नहीं करना है दोस्तों, अंतिम तक आप लोग को देखना है। अब देखिए दोस्तों लेसन 5 आ गया, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ये भी पहला ही क्वेश्चन देखिए कितने स्टार है, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, पहला क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। तो आपका जो पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दोस्तों देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 15वीं लोकसभा, ठीक है, चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा, ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 2 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 10% जो, ठीक ठीक है। चलिए दोस्तों देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन कितने स्टार क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये हर साल लगातार ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, ठीक है, जनता के लिए शासन का कथन, ये कथन है, ठीक है। यह कथन किसने कहा था इसको बताना है। ये देखिए दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लगातार ये हर साल पूछा जाता है। तो 2023 में इसका संभावना आने का दोस्तों 100% गारंटी के साथ, ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपका जो राइट आंसर होगा 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्राहम लिंकन द्वारा दोस्तों ये कथन को दिया गया है, ठीक है, अब्राहम लिंकन। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 71 करोड़ है, कितना दोस्तों 71 करोड़। चलिए आगे देखेंगे, ये भी क्वेश्चन देखिए कितने स्टार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम बताना है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2020 के प्रथम पाली में आया हुआ है। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अलगावाद। क्या होगा दोस्तों अलगावाद। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी दोस्तों 21 के सेकंड टर्म यानी कि द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी बाधा को बताना है। आपका जो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अशिक्षा। क्या होगा दोस्तों अशिक्षा। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन से आपको मिलाते हैं। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक दोस्तों करने के कोई चार्ज नहीं है। और चैनल पर हमारे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है तो आपको बताना है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो आपका जो 7 का राइट आंसर, देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4। क्या होगा दोस्तों 1/4 अभी भी दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 है। कितने हैं दोस्तों 3 है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित में से कौन सा लोकतांत्रिक अंग है, ठीक है दोस्तों लोकतांत्रिक अंग बताना है कौन सा है। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 9 का
ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी जो है ना लोकतांत्रिक अंग है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, यानी कि सिलेक्ट कौन करता है? आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद सिलेक्ट करता है। ठीक है, कौन सिलेक्ट करता है? संसद। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, सॉरी दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? देखिए ये दोस्तों कितना स्टार क्वेश्चन है, आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, क्या होगा? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 देखिए, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? दोस्तों 4 और 5 नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर है ना, इससे आपका 10 से 15 क्वेश्चन हम 100% गारंटी के साथ आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तब तो, ठीक है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, राइट हो जाएगा दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? इनमें से सभी, क्या होगा? इनमें से सभी 12 ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए 13 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर देख लीजिए, 16वीं लोकसभा में महिलाओं को सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये दोस्तों 19वें यानी कि द्वितीय पाली में, ये द्वितीय एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना 13 का 61, कितना होगा दोस्तों? 61 सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी, ये 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। चलिए 14 नंबर देखिए, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 16वीं लोकसभा का चुनाव बताना है, ये भी दोस्तों 19 में और आपका ये द्वितीय पाली में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, लगातार ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका जो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर, 17वीं, ठीक है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव आपको बताना है, तो 17वीं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मालूम ही होगा दोस्तों, जोड़ने पर ही मालूम चल जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 साल का होता है, तो दोस्तों 14 में दोस्तों 16वीं होता हुआ था, तो 17वीं कब होगा? आपका 19 में ना होगा, 5 साल के बाद। चलिए आपका जो राइट आंसर होगा 2019 होगा। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? आपका जो राइट आंसर होगा देखिए 20 में सेकेंड टर्म यानी कि द्वितीय पाली में पूछा गया है, आपका जो राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 10.86%। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी लास्ट है, इतना ही क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर हमारे पास है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ये दोस्तों 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो 17 का राइट आंसर होगा ना 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकतंत्र। किसको माना जाता है? लोकतंत्र को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका जो 18 देखिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अशिक्षा होगा, क्या होगा? अशिक्षा होगा। चलिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। चलिए दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्सों में। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 2023 में जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाला है दोस्तों क्लास 10th के, उनका सारा का सारा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा विषय का तैयारी करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।